हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पनु ठाकुर, आप देख रहे हैं मेरे चैनल। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्मैकडाउन पेन का गेम प्ले डेमन पी एस टू प्रो में। तो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं रोजाना ऐसी यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स चलाते रहता हूँ, गेम चलाते रहता हूँ, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ती रहे। और बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना गाइस मेरे चैनल की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने डेवन पी एस टू प्रो डाल रखा है लेटेस्ट वर्जन का। और सबसे पहले मैं आपको अपना फ़ोन दिखा देता हूँ, मैं फ़ोन कौन सा यूज़ कर रहा हूँ। तो गाइस मैं सेटिंग में जाकर अपना फ़ोन का अबाउट सेक्शन दिखा देता हूँ आपको। एंड जो एंड्रॉयड वर्जन में यूज़ कर रहा हूँ वो एंड्रॉयड 9 है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं, एज यू कैन सी एंड्रॉयड 9 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, और ये एकदम लेटेस्ट वर्जन का एंड्रॉयड है और लेटेस्ट वर्जन का ही डेवन पी एस टू प्रो है। तो गाइस चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो गाइस देख सकते हैं फ्री वाला वर्जन है, इसमें ऐड आ रहे हैं, एंड वर्जन 1.3.3 ही है ये, यहाँ आप देख सकते हैं। और दोस्तों अब मैं आपको चला के दिखाऊंगा इसमें गेम स्मैकडाउन पेन। एंड सबसे पहले मैं आपको इसकी सेटिंग्स दिखा देता हूँ कि मैंने सेटिंग्स क्या कर रखी हैं। एंड यहाँ से आप इसका वर्जन देख सकते हैं, लेटेस्ट वर्जन में चला रहा हूँ मैं ये। तो गाइस जो मैंने सेटिंग्स कर रखी है, अगर आपको भी बेस्ट स्पीड पर चलानी है, फुल स्पीड पर चलानी है, तो मेरी सेटिंग्स पर ही चलाइएगा। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप समझ पाए कि फ़ोन गर्म हुआ नहीं हुआ, मैं एंड में सब बताऊँगा आपको। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो गाइस आप यहां देख सकते हैं, ये मेरी सेटिंग्स से जो मैंने कर रखी हैं। एंड ऑडियो मैंने म्यूट कर रखी है, आप देख सकते हैं, एज यू कैन सी। ऑडियो आप भी म्यूट कर दीजिएगा गाइस, अगर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए तो। एंड यहां आप देख सकते हैं मैंने फास्टेस्ट पे कर रखा, क्योंकि फ्री वर्जन इसमें जा रहे ऑप्शन तो अनलॉक नहीं है, पर मैं आपको फ्री वर्जन में ही दिखा रहा हूं ताकि आप इजीली डाउनलोड कर पाएँ। और गाइस अगर आपको डाउनलोड करना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगर आपको एक गेम डाउनलोड करना है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड चलिए अब हम आपको गेम चला के दिखाता हूँ। सबसे नीचे आप देख सकते हैं गाइस मेरे पास काफ़ी सारी पी एस टू की गेम है, गॉड हैंड है, रेजिडेंट इविल है, स्मैक पेन है, एंड डेविल मे क्राई है। एंड आज मैं आपको चला के दिखाने वाला हूँ स्मैकडाउन पेन। तो गाइस आप देख सकते हैं फ्री कॉइन के लिए आ गया, क्योंकि फ्री वाला वर्जन है। एंड गाइस अगर आपको ऐड नहीं देखना है इसमें तो एक तरीका और है, बिना ऐड के भी इसे चला सकते हैं आप। जब आपकी गेम स्टार्ट हो जाए तो उसके बाद आप इसका नेट बंद कर दीजिए, और मैं ऐसा ही करता हूँ। जैसे मैं नेट बंद कर दिया, आप देखिए अब मेरे में कोई ऐड नहीं आएगा और अब मैं ये गेम कंटिन्यूसली खेल सकता हूँ। तो आप ये ट्रिक अपना सकते हैं, इससे आपका नेट भी बचेगा और आपको ऐड भी नहीं देखने पड़ेंगे और आपकी गेम भी चलती रहेगी। गाइस देख सकते हैं हमारी स्मैक पेन जो है स्टार्ट हो गई है। गाइस अगर बात करूँ पुरानी में, थोड़े समय पहले की वन प्लस 30 में भी चला के देखी थी, तभी ये गेम नहीं चल रही थी। एंड अब भी इसमें शायद थोड़ा बग है, देखिए आप ऊपर की साइड ही दिखा रहे हैं, नीचे पूरी स्क्रीन पर नहीं आ रहा है अभी। सो आगे चेक करते हैं क्या होता है। सो गाइस जो गेम है देख सकते हैं आप, यहाँ चालू हो गई हमारी फुल स्क्रीन पे। एंड अभी फुल स्क्रीन पे चल रही है, दैट्स ग्रेट। एंड एज यू कैन सी गाइस बिल्कुल पूरी स्क्रीन पे चल रही है, बिल्कुल भी थोड़ा बहुत इधर उधर नहीं हो रही, तो ये चीज़ तो काफ़ी अच्छी है। और बिल्कुल भी लैग भी नहीं कर रही है, बिल्कुल भी नहीं अटक रही है, बिल्कुल सही चल रही है। आगे जाके पता चलेगा कि परफॉर्मेंस कैसी रहेगी इसकी कंटिन्यूसली, यहाँ तक तो ये गेम बहुत बढ़िया चल रही है। एंड आप देख सकते हैं एंड करेक्टर्स जो हम मूव कर रहे हैं वो भी काफ़ी जल्दी जल्दी हो रहे हैं, तो वैसे तो कोई एरर आ नहीं रहा है। चलिए गाइस अब हम इसमें ढूंढते हैं ब्रॉक लेसनर कहाँ है। सो ये रहा हमारा ब्रॉक लेसनर, एंड हम इसे ले लेते हैं विदाउट स्मैक के। गाइस ये गेम पहले बहुत खेली हुई है, तो मुझे काफ़ी अच्छे से खेलनी आती है ये गेम, पर मैंने पी एस टू पे खेली है और आज ये मोबाइल पे है तो थोड़ा हैंडल का प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, पर मैंने ये गेम काफ़ी खेली है। गाइस इसमें आप यहाँ देख सकते हैं एक बग है कि ये पूरी स्क्रीन पर नहीं आता है, जो पोस्टर्स आते हैं इसके वो पूरी स्क्रीन पर नहीं आ रहे हैं, पर गेम हमारी बिल्कुल ठीक चल रही है, ये बात बहुत अच्छी है। एंड यहाँ हम ब्रॉक लेसनर की थोड़ी सी एंट्री देख लेते हैं। सो गाइस आप यहाँ देख सकते हैं जो एफ पी एस हैं वो तो बिल्कुल पूरे ही आ रहे हैं, 57 to 60 के एफ पी एस के पूरी एफ पी एस आ रहे हैं। एंड अब हमारी परफॉर्मेंस पर चलेगी जब हमारी गेम स्टार्ट हो जाएगी तब। और गाइस इस वीडियो का पूरा देखिएगा ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊँ। और गाइस कल मैं वीडियो लेके आऊँगा रेजिडेंट इविल की, इसमें डेमन पी एस टू प्रो में, या आप जो गेम कमेंट करेंगे उसकी। तो अगर आपको किसी गेम का कंपेरिजन देखना है, गेम प्ले देखना है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा डेमन पी एस टू प्रो में या डॉल्फिन एमुलेटर में। तो गाइस आप यहाँ देख सकते हैं हमारी गेम जो है वो स्टार्ट हो गई है। एंड यहाँ थोड़ा बहुत इसमें लैग आ रहा है, थोड़ा बहुत बोलूँगा नहीं, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ही आ रहा है, क्योंकि मैंने पी एस टू में खेली है तो वहाँ उसमें तो काफ़ी अच्छी चलती है, इसमें भी ठीक चल रही है,
इतनी बुरी नहीं है, फिर भी आप देख सकते हैं FPS तो 60 के अराउंड ही चल रहे हैं, पर ये गेम ही स्लो चल रही है तो क्या करें। पर हमारे जो FPS है डायमंड PS2 प्रो के मुताबिक बिल्कुल 60 FPS चल रही है ये। अब मुझे नहीं पता कि 120 FPS जाएगी जब जाके एकदम स्मूथली चलेगी इसमें, क्योंकि यार 60 FPS तो बहुत ज़्यादा स्मूथ होनी चाहिए थी, और ये दिखा भी 60 FPS रहा है, उसके बाद भी हमारी गेम स्मूथली नहीं चल पा रही है। सो ये तो मुझे भी नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है। और गाइस जो मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ वो है एसस का Zenfone 5Z, जिसमें स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर है, 6 GB रैम है। गाइस इसमें ये अगर मैंने गॉड ऑफ वार की गेम प्ले भी करें, अगर आपको वो देखने हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से देख सकते हैं। गॉड ऑफ वार 1 और 2 दोनों करें और वो बिल्कुल स्मूथ चलती हैं इसमें। ये तो थोड़ी बहुत लैग कर भी रही है, वो तो बिल्कुल भी लैग नहीं करती हैं। और गाइस अगर आपको किसी गेम का गेम प्ले देखना है तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, पहले ही बता रहा हूँ मैं। और गाइस अगर आपको मेरे चैनल अभी नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज़ाना ऐसी वीडियो लाते रहता हूँ जिससे आपकी नॉलेज बढ़ती रहे। एंड एज यू कैन सी गाइज यहाँ पे थोड़े गेम में ग्राफिक्स के टेक्सचर में भी दिक्कत आ रही है, मगर मैं बात करूँ फ़ोन की तो फ़ोन बिल्कुल भी हीट नहीं हो रहा है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो इसमें मैं फ़ोन की तारीफ़ करूँगा कि ऐसा Zenfone 5Z जो है वो काफ़ी अच्छा फ़ोन है। एंड यहाँ हमने F5 मार दी इसमें, सो गाइस आप देख सकते हैं इतना भी लैग नहीं है, क्योंकि फ़ोन के हिसाब से तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस ही समझिए इसकी, क्योंकि फ़ोन में अगर ऐसी गेम, क्योंकि ये भी बड़ा टाइटल है PS2 का, और ये PC जो है कंप्यूटर जो है उनमें भी सही से नहीं चल पाती है आसानी से, सेटिंग्स करने के बाद भी लो सेटिंग्स में भी ठीक से नहीं चल पाती है, और ये फ़ोन में ऐसे चल रही है तो शायद आने वाले 1-2 साल में ये गेम की परफॉर्मेंस बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी, आई होप। एंड गाइस मैं रेजिडेंट इवल का भी गेम प्ले लेके आऊँगा कल इसका, और अगर आपको किसी और गेम का गेम प्ले देखना है जैसे गॉड हैंड, डेविल मे क्राई, या किसी भी PS2 गेम का गेम प्ले देखना है डायमंड PS2 प्रो में, तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करना। मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं तो वीडियो बना ही रहा हूँ, तो आप जो देखना चाहते हैं उस गेम का भी मैं वीडियो बनाना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और गाइस अगर आप कोई डॉल्फिन एमुलेटर में देखना चाहते हैं किसी गेम का गेम प्ले, तो वो भी कमेंट करिएगा मेरे को, मुझे बनाने में बहुत खुशी होगी उसके ऊपर वीडियो। और गाइस अगर आपको नहीं पता है कि फ्री वाला डायमंड PS2 प्रो डाउनलोड कैसे करते हैं, तो उसका लिंक भी मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख के डाउनलोड कर सकते हैं। एंड गाइस यहाँ देखिए पर परफॉर्मेंस में बिल्कुल भी गिरावट नहीं आ रही है, बिल्कुल भी नहीं गिर रही है, जैसे कि चल रही है वैसे ही चल रही है, ये नहीं कि ज़्यादा टक रही है तो और ज़्यादा टकने लग गई है टाइम के साथ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है कि परफॉर्मेंस में कोई गिरावट नहीं है इसकी, ये चीज़ मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी। एंड गाइस ये इसका प्रो वर्जन भी नहीं है डायमंड PS2 प्रो का, फ्री वाला वर्जन है, क्योंकि अगर इसमें थोड़ी बहुत और सेटिंग करते तो क्या पता गेम की परफॉर्मेंस थोड़ी और ठीक हो जाती, बट थोड़ी बहुत ही ठीक हो पाती, आई एम श्योर कि बिल्कुल स्मूथली तो नहीं चलेगी इसमें, क्योंकि देख के ही पता चल जाता है। हाँ पर जो स्नैपड्रैगन 855 आने वाला है उसमें शायद ये चल जाए, जो कि गैलेक्सी S10 में आएगा, सैमसंग गैलेक्सी S10 जैसे कि आ गया है आप सबने देख ही लिया होगा, और भी नए नए फ़ोन आने वाले हैं। और गाइस अगर आप कोई फ़ोन लेना चाहते हैं स्नैपड्रैगन 855 का, तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको बेस्ट फ़ोन का सजेशन दे दूँगा। एंड आप यहाँ देख सकते हैं गाइस ग्राफिक्स में तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, लेकिन जैसे पहले टेक्सचर की प्रॉब्लम थी वो तो अब सॉल्व हो चुकी है इस गेम की, मैंने पहले देखी थी टेक्सचर में भी प्रॉब्लम थी तो वो चीज़ सॉल्व हो चुकी है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है इसे खेल के, जो मुझे तो कोई खास इशू लगा नहीं। तो आप मुझे कमेंट में बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। यहाँ हम जीत गए, तो गाइस मैं आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं रोज़ाना ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ जिससे आपकी नॉलेज बढ़ती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। और दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और मेरे चैनल पर नहीं है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज़ाना ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। और अगर आपको किसी भी गेम का गेम प्ले देखना है तो आप मुझे कमेंट जरूर करना, और मुझे डिस्क्रिप्शन में बताना मत भूलना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए, और कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।